वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजॉयलॉजी और आज हम लोग रिव्यू करने वाले AMD की तरफ से आने वाला AMD का RX 7800 XT इस ग्राफिक्स कार्ड को। वेल, AMD ने जब इसको लॉन्च किया था इसका प्राइस अराउंड 43,000 to 45,000 रुपीज में बिकता था और अभी के टाइम में भी अगर आप देखते हो तो अभी इसका प्राइस घट के बहुत सारे अराउंड 40,000 के आसपास आ चुके हैं। और ये AMD का स्पेशली कार्ड है तो ये AMD का ही रेडियन RX 7800 XT है। वैसे इसमें भी बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं, आप जाके देख सकते हो, सफायर का मिल जाएगा, MSI का मिल जाएगा, गीगावाइट का स्पेशली मिल जाएगा, बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। अगर आप बिना FSR की गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हो 1440p लेवल पे 4K में, तो यार इजीली आप इससे गेमिंग वगैरह कर सकते हो। वैसे बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। और हाँ, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मेरे चैनल में ऐसी PC रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बाद में जाके भी फिर से बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ मेरा मुलाकात हो जाएगा। बॉक्स जो है वो आपको बिल्कुल ही सिमिलर टाइप के देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले भी मैंने 6800 XT का अनबॉक्सिंग किया था, उसमें भी सिमिलर टाइप के एक्सपीरियंस देखने को मिला है जैसे कि इसमें मिल रहा है। और ब्लैक कलर में ये जो बॉक्स है ये आता है, देख सकते हो। इससे पहले AMD के जितने भी 7000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड है अगर आपने उनके अनबॉक्सिंग देखे तो वैसा ही टाइप का सिमिलर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। इससे पहले भी 6800 XT में हम लोगों ने जो अनबॉक्स किया था वैसा टाइप का ही था। बॉक्स ओपन करने के बाद वेलकम टू द रेड टीम लिखा गया है, देख सकते हो, और बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा ही यहाँ पे डिजाइन करके रखा है बॉक्स का, देख सकते हो। ब्लैक में है, अंदर में एक छोटा सा पुस्तक भी मिल जाता है आपको जिसके बारे में आपको सारी कुछ लिखा गया है। AMD का वारंटी कार्ड भी आपको मिल जाएगा। बस यही है जो भी है बॉक्स के अंदर, यही आपको कुछ मिलता है। वैसे प्राइस टू लुकिंग के बारे में बताओ तो AMD ने ज्यादा मतलब इसके ऊपर काम नहीं किया है। परफॉर्मेंस में देखते हुए इन लोगों ने डिजाइन के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है बट एक अलग ही लुक इसका निकल के आता है, बिकॉज दिस इज टोटली मेड ऑफ मेटल बॉडी। और भाई अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है, पूरा ठंडा ठंडा होके रखा है भाई, पकड़ने से ही पता चल रहा है। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ AMD रेडियन RX 7800 XT। ये मेरे पास जो वेरियंट है ये 12GB वाला वेरियंट है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में भाई। इसके पीछे का लुक भी आप देख सकते हो, ये कुछ दिखने में पीछे के लुक से ऐसे टाइप का है। और AMD ने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से डिजाइन किया है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बाकी इन लोगों ने यहाँ पे 120mm के फैन भी इस्तेमाल किए जो कि मुझे प्रॉपर लगे। इसके अलावा यहाँ पे इन लोगों ने कैप भी देके रखा है जिसको हटा के ऑलवेज आप इसको अपने मदरबोर्ड में पेयर कर सकते हो। और यहाँ पे जो पोर्ट्स वगैरह है 8-pin कनेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसको चलाने के लिए मदरबोर्ड से डायरेक्ट करेंट प्लस 8-pin कनेक्टर्स का भी जरूरत पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि 550 वाट की जो PSU है अपने PC में उसमें ये ग्राफिक्स कार्ड इजीली चल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो आपको 750 से लेकर 800 वाट का कोई पावर सप्लाई यूनिट लगाना है, तभी जाके आप इसको पावर डिलीवरी दे सकते हो। अभी इसके हीट सिंक वगैरह भी AMD ने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। हीट सिंक में जो है जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छा है, हम लोगों ने टेस्टिंग करके भी देखा। वैसे मेरी टेस्टिंग में जो टेम्परेचर था इसका 75 to 78 डिग्री तक हाईएस्ट टेम्परेचर गया था और मुझे लगता है कि डिसेंट है भाई इस प्राइस के हिसाब से। बाकी इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो इस वाले ग्राफिक्स कार्ड के अंदर जो आपको मेमोरी मिलता है इनबिल्ट वो 16GB की मेमोरी देखने को मिल जाता है जो कि मैं मानता हूं भाई 4K लेवल गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। वेल, इस ग्राफिक्स कार्ड को प्रॉपर टेस्ट करने के लिए मैंने मेरे खुद के PC को इस्तेमाल किया है। अब मेरा जो PC है वहां पे आपको Ryzen 5 5600X जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलता है। वेल, हम लोगों ने जो गेम टेस्ट किया था अपने PC के अंदर उनके कुछ एवरेज FPS वगैरह मैं यहां पे आपको शोकेस कर रहा हूं, वन टाइम शोकेस कर दे रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेल, आप देख सकते हो यहां पे स्क्रीन पे एवरेज FPS जो है साइबरपंक 2077 का हम लोगों ने 4K में टेस्ट किया जो कि 50 FPS निकल के आया था और लो में 90 FPS निकल के आया था जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हम लोगों ने काउंटर स्ट्राइक देखा, वो भी 1080p में एवरेज FPS निकल के आया था 5-8 का जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छा है। वॉच डॉग लीजिन भी हम लोगों ने खेल के देखा जो कि 4K में एवरेज FPS निकल के आया था 90 FPS का जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। साथ ही साथ जो लो लेवल था FPS का वो था 70 FPS वॉच डॉग लीजिन में, बहुत ही बढ़िया स्कोर निकल के आया था। नेक्स्ट जो गेम है Assassin's Creed Valhalla, यहाँ पे हम लोगों ने 4K में एवरेज FPS निकाल के आया था 76 का एंड जो लो FPS निकल के आया था वो 60 FPS का था जो कि मुझे डिसेंट लगा। Far Cry 6 बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड गेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे 4K में 97 FPS निकाल के देता है एंड जो लो FPS है वो 90 तक निकल के आता है। मुझे लगता है ये बहुत ही बेस्ट है एंड इस प्राइस के अंदर अंडर 40K में ये ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देता है फॉर 4K गेमिंग और ऑल्सो 1080p
गेमिंग पे तो बहुत ही बढ़िया स्कोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। वेल मेजोरिटी ऑफ द गेम्स में 1440p लेवल पे अगर आप गेमिंग करते हो तो एवरेज एफपीएस जो ये निकाल के देता है वो 100 एफपीएस तक निकाल के देता है, और अगर आप 4K में देखते हो तो एवरेज एफपीएस 75 टू 80 तक निकल के आता है, जो कि मुझे लगता है ये बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है भाई 4K लेवल गेमिंग के लिए, ऑल्सो 1440p लेवल के गेमिंग के लिए। और 1080p में जो लोग गेम खेलना चाहते हो, देखो जो लोग 2K लेवल पे FSR को बंद करके गेमिंग करना चाहते हो तो विदाउट FSR एंड रे ट्रेसिंग ऑफ करके आप इसमें अराउंड 90 FPS तक आप निकाल सकते हो। और बात रही गेमिंग को छोड़ के वीडियो एडिटिंग की या फिर कलर ग्रेडिंग की, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि AMD के जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनमें हम लोग वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाते। ग्राफिकल साइड से देखना चाहते हो तो उनके लिए DaVinci Resolve में जो लोग एडिटिंग करते हो उनके लिए ये बेस्ट हो सकता है, बिकॉज DaVinci Resolve जो है वो ग्राफिकल साइड से ज्यादा परफॉर्मेंस देता है एज कंपेयर एज नॉर्मल प्रीमियर प्रो वगैरह अगर आप देखते हो, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेस्ट हो सकता है आपके लिए। ऑल्सो मैं भी मेरे पीसी में DaVinci Resolve इस्तेमाल करता हूँ, फुल्ली ग्राफिकल साइड में ही करता हूँ, तो मेरे लिए तो बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देता है। इसके पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप गौर करते हो तो यहाँ पे आपको 3-3 DP पोर्ट देखने को मिल जाता है और एक HDMI पोर्ट देखने को मिलता है। मुझे लगता है ये इस प्राइस के अंदर बेस्ट है, आप 4-4 जो मॉनिटर्स है उनको साइमल्टेनियसली चला सकते हो, और यहाँ पे आपको AMD का फ्रीसिंग वगैरह बहुत कुछ टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, एंड AMD की अगर प्रोसेसर इस्तेमाल करते हो तब तो यार कोई बात नहीं। वेल Amazon पे अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। और अंडर 40K में बेस्ट लेवल के गेमिंग अगर करना चाहते हो देन इट विल बी द बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड फॉर यू। एक इनडेप्थ रिव्यू था जो कि RX 7800 XT का। वेल आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए गाइस मैं मिलता हूं दूसरी किसी वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए की स्माइलिंग, ऑलवेज स्टे कनेक्टेड।